शहर की पुरानी सब्जी मंडी स्थित रवि ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार पुरानी सब्जी मंडी स्थित रवि ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने व चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। मामले की सूचना पाकर डीएसपी बिरम सिंह व थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची तथा दुकान मालिक के बयान पर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुकान मालिक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रोजाना की तरह शनिवार को अपनी दुकान बंद कर गया था। रविवार को छुट्टी होने के चलते वो दुकान पर नहीं आया। जब वो सोमवार को अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान के लोगों को गैस कटर से तोड़ा हुआ दिखा, जिसमें 18 लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवर गायब मिले। उन्होंने बताया कि सूचना शहर पुलिस को दे दी गई है। हमें तो सुबह दुकान पे आने के बाद पता लगा है, आज सुबह अंदाजा 11 बजे दुकान खोली है, तो खोलने के बाद जब अंदर आए हैं तो ये पेटी कटी हुई मिली। अंदर से सामान निकला हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, तो शटर तो सारे ठीक थे, लॉक लगे हुए थे, वो शायद ऊपर पेड़ी रस्ते से ऊपर आए होंगे, सीढ़ियों से चल के नीचे आए हैं वो, क्योंकि सीढ़ियों का दरवाजा भी टूटा पड़ा है। तो कितना नुकसान होता है इसमें? नुकसान आइडिया है जी 18-20 लाख का। क्या क्या सामान ले गए? उसमें चांदी का सामान है, सोने का सामान है, जेवर है। तो पुलिस को पुलिस मौके पर आई है? हाँ जी, पुलिस वाले आ चुके हैं जी, वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। हम सरकार से, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और इस काम को जिन्होंने अंजाम दिया है उनको सामने लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।